और मैच के ऊपर इंसेंट की टीम रोटेशन ले रहे हैं, डीपी पे 6x लग चुका है। वेल मैं जरूर देखना चाहूंगा कि एक्सो के टीम से स्नैक्स कहाँ पर है, क्या उनको डीपी मिली है या फिर नहीं, क्या हमें वो डीपी एक्शन देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। बट सही, फिलहाल शॉट लिया जाता है एंड एक्सो के पंक को इसी बीच नॉकआउट किया गया है। एक्सपायर के वीरू नॉकआउट हो जाते हैं इंसेंट मैक के स्प्रे से। रेकनिंग करी तो एक्सो पंक को कंफर्म करने वाले हैं। ओआर की टीम रोटेशन लेती हुई नजर आएगी, जैसे ही ओआर की टीम आगे आएगी दिक्कत में आ सकती है एक्सपायर की टीम। आप देखिए ओआर फिलहाल के लिए स्पॉट अगर कर लेते हैं बहुत बहुत गलत सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा एक्सपा के लिए एंड ओआर की टीम। जी हां, स्पॉट उन्होंने कर लिया है ऑलरेडी एंड इसी के साथ साथ दो डायरेक्शंस में फाइट लेती हुई नजर आ रही है एक्सपा का, आगे टू आके पीछे खाई। बट यहां पर मावी ने भी वही चीज करा है, ट्रेन यहां पर ट्रेनिंग गेम पे चलता हुआ जेली को भी यहां पर कर सकते हैं नॉकआउट, एक बढ़िया मौका है। लेकिन वहां से आदित्य अभी कोशिश कर रहे कवर फायर प्रोवाइड करने की, स्मोक आ चुका है लेकिन क्या यहां पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पहले तो यहां पर मावी को कोशिश करनी पड़ेगी वीरू को यहां पर रिवाइवल दे सके, जी हां दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से गेल एंड स्काउट निकलना पड़ेगा, टीम वर्क दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि ओआर ईस्पोर्ट्स एक समय सडनली आ रखा है उनको सरप्राइज देने, लेकिन वो रिटेलिएशन करके ना उनको ही सरप्राइज उनको ही प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर ओआर ईस्पोर्ट्स को। बिल्कुल, बट भरोसा रख, हमें पता ही कौन गिल है एंड गिल का भरोसा रखना पड़ेगा, गिल के ऊपर भरोसा करें। अगर बात करेंगे ओआर आदित्य के, आदित्य को स्प्रे लिया जाता है, जेली भी गलत एंगल पे फंस चुके लेकिन पीछे से कोई और टीम आई बिलीव एंट्री ले चुकी है ऑलरेडी। विच टीम इज इट गोइंग टू बी, वेल इट्स गोइंग टू बी आर ईस्पोर्ट्स जो काफी देर तक जोन के बाहर बैठी हुई थी, अभी वो प्रेशराइज कर सकते हैं ओआर को भी एंड डेफिनेटली एक्सपायर को भी। जोन में जाना पड़ेगा, 300 मीटर का सफर उनको करना है, इस सफर में सफर काफी ज्यादा किया जा सकता है। हैदराबाद हाइड्रास के ब्लैक इस फिलहाल एक और नॉकआउट निकालने के अपनी टीम के लिए। ओआर आदित्य की बात करते हैं, जोन के एज पे नॉकआउट है, मवी कोशिश कि व्हीकल के नीचे से शॉट्स लिया जाए एंड कुछ फायदा उनको मिले कनेक्शंस का। वेल मिल तो रहा है जरूर, लेकिन जो फिनिश है वो भरोसा रख के द्वारा सिक्योर किया जाएगा एंड एक्सपार्क जोन के एजेस पे रहेंगे एक फिनिश पॉइंट के साथ साथ सरवाइव करते हुए नजर आ रहे। 15 टीम्स अभी भी बनी हुई है, चौथा सर्कल हमारे साथ काफी भीड़भाड़ होने वाली कैप्टन, और शायद ये जो अपार्टमेंट फाइट से कितने देर में भी देखने मिलते हैं। बट यहां पर केल के पास एक बढ़िया मौका रैपिड पैराडॉक्स को स्पॉट करना, लेकिन क्या बचने में कामयाब मिलेगी, रुक तो गए हैं लेकिन अब यहाँ पर 1v2 करके दिखाना पड़ेगा उनको। बट जी नहीं, ओह अच्छी बात है कि टीम उनके ही टीममेट ने वो फिनिश निकाला, अच्छी बात रही, अदरवाइज मेहनत उनके द्वारा और किसी और के द्वारा फिनिश ऑफ किया था, लेकिन दूसरी टीम यहाँ पर जरूर क्या पुश आएगा, जी हाँ इंसेंट के ऊपर यहाँ पर रश आते हुए हमें देखने वाला है। बट ओल्ड हुड के सुल्तान रेकनिंग के खिलाड़ी को नॉकआउट करने के इसी बीच एंड मवी ऑलरेडी पुश कर चुके हैं टीम मावी के नकुल। आप देख रहे हैं कि जोर दूर से काफी न्यू ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन ग्रेनेड आता हुआ नजर आएगा हमें। मवी ग्रेनेड टॉस आउट करेंगे, कनेक्शन मिलना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या कनेक्शन मिलेगा राइवलरी के वल्चर को। इसी बीच ब्लाइंड के पोकेमॉन जो फाइनल खिलाड़ी बचे हुए हैं राइवलरी के, उनको भी फिलहाल कंफर्म किया जाता है। देखिए हर एंगल चेक किया जा रहा है, हर सॉलिड कवर के ऊपर वापस ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, अच्छी थिंकिंग अच्छी आइसलिंग वहां पर मावी के द्वारा, लेकिन अभी शायद उनको अंदाजा नहीं कि बिल्कुल जस्ट वो स्लोप के बिहाइंड पे अपने आप को हाइड करके रखे हुए हैं। क्या इंसेन यहाँ पर सरप्राइज दे पाएगी, अभी के लिए मेरे ख्याल से दिक्कतें पैदा हो रही क्योंकि अब सिचुएशन है 2v4 की। इंसेन देखते देखते दो ही खिलाड़ी के साथ यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने डिसीजन ये लिया कि अपनी पोजिशन को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन इस बीच मैक वहां पर करेंगे गोमलुमोन को यानी स्काउट को करेंगे वहां पर नॉकआउट और फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, यानी अब 3v2 का सिचुएशन। क्या यहाँ पर इंसेन 2v3 कर पाएगी, बट जी नहीं मैक को वहां पर कर जाएगा नॉकआउट। अब सैयम आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं यहाँ पर एंड मेरे ख्याल से अब एक साथ ही धावा बोला जाए, कोई दूसरा ऑप्शन फिर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर अकेले गए तो सैयम यहाँ पर उनको पता है कितना पेशेंस वो रख सकते हैं, फिर वो यहाँ पर कोशिश करेंगे एंड अभी तो चलिए किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। मोनोटॉप से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है आपका और मेरे ख्याल शायद अब सैयम का बच पाना भी काफी एक मुश्किल टास्क यहाँ पर बन चुका है। मावी प्लीज ओके दूसरे एंगल से आते हैं जरूर, रीलोड करेंगे बट कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, अच्छी खासी कोशिश थी सैयम की बट आई डोंट नो मावी आई बिलीव स्मोक के कारण देख नहीं पाए थे उनको एंड हमें थोड़ा सा बढ़िया दिखते हैं। देखिए फिलहाल के लिए टीम मावी के जोकर टीम एक्सपार्क के साथ साथ फाइट इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। जो मैं बात कर रहा था कि तीन खिलाड़ी जोन के एजेस पे है, एक खिलाड़ी एडवांस पोजिशन पे है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहेगा। वीरू फिलहाल के लिए अपने मिनी 14 के साथ साथ पीक करके बैठे हुए हैं, शॉट लिया जाता है 1 2 3 कनेक्शन बनेगा लेकिन वो ऑपोजिट साइड से वीरू एक शॉट कनेक्ट करेंगे
करेंगे जरूर, बट अभी भी रिवेंज के अक्षय 5K को देखिए शैक के अंदर इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दिक्कत बढ़ जाएगा जरूर। बट टीम मायावी के नकुल भी मुझे आई बिलीव इसी एरिया में नजर आ रहे हैं, राइवलरी के खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी प्लेस आउट किए गए थे। रिवेंज स्पोर्ट्स करेंटली दो खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया है, फाइनल प्लेस सर्वाइविंग सोनिक को भी टेक डाउन किया जाएगा, एंटिटी गेट्स द बेटर ऑफ ऑन टू रिवेंज स्पोर्ट्स। एंड अभी हमारे सामने 10 टीम्स एंड 30 खिलाड़ी बचते हुए जोन देखिए नॉर्थ वेस्टर्न को ही सपोर्ट दे रहा है, काफी टीम्स थी यहाँ पर जोन के बाद लेकिन अब एजेस में आ चुके हैं, लेकिन जो टीम पहले से है जैसा कि हम बात कर रहे हैं हैदराबाद हाइड्रास एंटिटी मैक्स कैश को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, टीम फॉरएवर के बाकी प्लेयर्स अलग जगह पे हैं, मैक्स कैश वहां पे ऊपर बैठे हुए हैं, बट भरोसा रख फाइनली यहां पे एक नॉक निकालते नजर आते हैं, जो रस करने की कोशिश करते हैं, लुक एट द स्प्रे देयर, एक कमाल का स्प्रे यहां पे आता हुआ भरोसा रख की तरफ से, ओवेस को भी मिनिमल बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए नॉक कर दिया गया, लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है, फायदा मिल रहा है टीम फॉरएवर को, क्योंकि आई थिंक डिसाइड उन्होंने सही किया, सही टाइम पर अटैक करने का सोचा, शार्क की एचपी बहुत ज्यादा कम है, शार्क को भी नॉक करा जाएगा, इसी के साथ सारी मेहनत करी एक्सपर्ट ने, फायदा उठाया टीम फॉरएवर ने। एब्सोल्युटली बट देन एंड देयर टीम फॉरएवर के द्वारा जिस तरीके से अभी शुरुआत की गई है, बट सोनिक फॉक्स जो अकेले सर्वाइविंग प्लेयर है वो कब तक बच पाएंगे वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। सेकंड सर्कल श्रिंकिन हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड 12 मिनट्स इनटू द गेम एंड अभी भी 15 टीम सर्वाइव कर रही है। सिंगल प्लेयर्स की अगर बात करते हैं, मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले रिवेंज के भी एक खिलाड़ी बचे हुए, आई डिड सी अनदर टीम सर्वाइविंग विद जस्ट वन प्लेयर, बट अभी फॉरएवर की टीम जो है कोशिश कर रही है कि सारे के सारे रोटेशन को रोकने के लिए सबसे पहले गाड़ियों को डैमेज किया जाए, अगर एक्सप्लोजन के बस उसके जस्ट पिछले पॉइंट तक गाड़ी को एक्सप्लोड करके वो छोड़ देते हैं तब जाके व्हीकल्स में जैसे ही प्लेयर्स बैठते थे जस्ट बस्टेड आउट। वेल मेरे ख्याल से ना अब टीम एक्सपाक को आदत होगी होगी उनके फिनिशर्स चोरी होने की, क्योंकि हमने कल भी देखा था सेल्सियस ने काफी फिनिशर्स निकाले थे, बट लुक एट दैट टैप टैप कमिंग इन फ्रॉम भरोसा रख, भाई इन पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा अगर ऐसे ये शॉट्स कनेक्ट करते रहेंगे। एक और बार यहां पे ओवेस को नॉक कर दिया है, बट आई डोंट थिंक रश करने वाले हैं, आई थिंक यस आई थिंक क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं प्लेयर्स, बट अभी के लिए ना ये एक डबल स्टेजेस फाइट में तब्दील हो चुका है, पहला नॉक के साथ आप क्लोज इन करते हैं, सेकंड नॉक के साथ शायद आप रश करते नजर आएंगे। एब्सोल्युटली एनी बाकी सैगी करंटली क्लोज इन फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं, एनी बाकी पूरी की पूरी टीम रश कर रहे हैं, ओल्डवुड के सुल्तान को फिलहाल एक वेल आप कह सकते हैं गैस कैन की मदद से कंफर्म किया गया, वेल थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, इसीलिए अगर मेरे सामने कभी गैस कैन रहता है आई पुट इट इन द बैग और यू नो ताकि सेफ रहे, फिलहाल आई बिलीव ओल्डवुड की टीम वाइप आउट हो जाती है यहाँ पर 15वें पोजीशन से। टीम एक्सपार्क हैज वो कोई भी अग्रेसिव प्लेस नहीं दिखा रहे अभी करंटली, जोन के साथ साथ ही अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लुक एट दैट जोन शिफ्ट। Well, लग ही रहा था मुझे कुछ आज मैजिक होने वाला है, मैं डेस्क पे आऊंगा और मैजिक नहीं होगा ऐसा तो होता नहीं है ना कैप्टन, ये जोन देखिए। और अब तो मेरे ख्याल से आप बात कर रहे थे ना कि स्विमिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, व्हाट अ ग्रेट डे टू स्विम इन द वाटर, इट्स अ वंडरफुल वेदर, वेल इट्स अ वेरी हॉट डे, तो आई थिंक प्लेयर्स काफी खुश रह सकते हैं, बट जी नहीं इन गेम नहीं, इन गेम आपको जरूर बच के खेलना पड़ेगा। देखिए जो भी टीम्स आगे जाके अभी ब्रिज होल्ड करेंगे उनके लिए फायदा है, करते हैं रिवेंज के सोनिक फॉक्स ऑलरेडी वो पानी में कूद चुके हैं, आप देखिए अभी बहुत सारे टीम्स आगे बढ़े हैं, हैदराबाद राइडर्स व्हाट दैट स्प्रे, वीडू गाड़ी से बैठ के एडीएस करके एक नॉकआउट निकालेंगे जरूर, लेकिन काफी डिसओरिएंटेड रहता है आपका जो स्प्रे कंट्रोल रहता है एंड उसका फायदा हैदराबाद राइडर्स को जरूर मिलेगा। आखिरी प्लेयर गिल बचते हुए नजर आ रहे, क्या वो भरोसा रख पाएंगे अपने टीम का, क्या वो बच पाएंगे, बिकॉज अभी ब्रिज के सिर्फ एजेस पे आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में मल्टीपल टीम्स मिलने वाले हैं। देखिए यहां से जोन में जाना लगभग इंपॉसिबल सा बन गया है किसी भी टीम के लिए, जो भी बार है अब जोन के अंदर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से सामना करना पड़ेगा, गेटकीप का सामना करना पड़ेगा, ट्राई अच्छी थी टीम एक्सपा की, बट देखिए मल्टीपल विंडोज से आपके ऊपर शॉट आ रहे थे, आप कुछ वहां पे नहीं कर पाए। वहीं अगर जोन की बात की जाए, अगर आप जोन यहां पर दिखा सके दैट वुड बी जस्ट अमेजिंग। मीनवाइल अगर टीम फॉरएवर की बात करते हैं, नेक्सस विद अ ब्यूटीफुल स्प्रे देयर, आई मीन कोशिश अच्छी थी बट ज्यादा शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए, और ऑरांगुटान अभी भी गेम में बना हुआ है, एंड मेरे ख्याल से ये गेम अगर 8 बिट ज्यादा अनुज दोनों जो खिलाड़ी ऑलरेडी पानी पे जा चुके हैं, एक खिलाड़ी जो पानी के बाहर है वो नॉकआउट हो चुके हैं, नगर के लिए चैलेंज रहेगा कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। रिवेंज के सोनिक फॉक्स अगर इस बार आके चढ़ जाते हैं ब्रिज के ऊपर, आई थिंक दैट विल बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लैंक फ्रॉम रिवेंज। वेल बिल्कुल देखिए अगर सोनिक फॉक्स यहां पे आ जाते हैं और बाय चांस अगला जो जोन है वो इस आइलैंड पे आ जाता है, दैट इज गॉट वेट, ही इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बट वहीं अगर बात की जाए, पानी में गाड़ियां खुदा की गई हैं, सबमरीन बना लिया गया है और अब पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश है यहां पे आपको है। जोन प्रेडिक्शंस वेल एंड इसके साथ साथ रोटेशंस हो जाए या फिर इंफॉर्मेशन रिले करना हो, ही इज जस्ट ग्रेट स्काउट के पास। फिलहाल मिनी 14 रहेगा एंड मिनी 14 के साथ साथ मैं देखना चाहूंगा कौन सा स्कोप लगा हुआ है, बट फिलहाल ओरांगुटान के साथ फाइट लेते हुए एक बेहतरीन स्प्रे के साथ साथ नॉकआउट निकालेंगे बिलीव का, बिलीव के ऊपर जरूर बिलीव हम करते हैं, लेकिन स्काउट के स्प्रे के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा नॉकआउट हो जाते हैं। ओजी की पहचान कौन को भी अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा, बिलीव को रिवाइवल दिया गया, बट रिवेंज स्पोर्ट्स सोनिक फॉक्स को खोते हुए नजर आएंगे, ओजी एश भरोसा रख को फाइनली नॉकआउट करते हैं, जो फ्लैंक किया जा रहा था उस फ्लैंक को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लॉस लियोनिस छोड़ के सीधा
साउथ साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में शिफ्ट लेता है, जहां पर इनसेन की टीम काफी खुश रहेगी शिफ्ट से। well, आज डे 3 है मेरे ख्याल से BGMI वर्ड्स को भी पता है क्योंकि केओस तो यहां पे हो चुका है। मीनवाइल अगर यहां पे बात की जाए मवी को भी नॉक कर दिया जाता है, जो फ्लैंक कर रही थी टीम एक्स पार्क वो बिल्कुल उनको बैकफुट पे लेकर जा रहा है। एंड अभी के लिए यहां से बच के निकलना दो प्लेयर्स के लिए आई थिंक वही एक संभावना है, क्योंकि यहां पे अगर फाइट करने आएंगे तो ओजी बिल्कुल तैयार है उनके लिए। एब्सोल्युटली ओजी के ड्रिगर फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एश पहचान कौन एंड बिलीव चारों प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं एंड अपने मिक्लारेंस के साथ साथ बेहतरीन तरीके से बहुत स्विफ्टली आगे बढ़ रहे हैं। मवी को कंफर्म किया गया, दैट्स टू प्लेयर लॉसेस ऑलरेडी फॉर टीम एक्सपार्क। एक्सपार्क बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। गुमलुमोन एंड आई बिलीव अभी भी बचे हुए हैं। वीरू रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके लिए, बट ओजी बिलीव दे आर नॉट डिसएंगेजिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। गुमलुमोन को भी 20 HP का डैमेज पड़ता हुआ इंतजार चल रहा है, बट सर्कल में जाना काफी डिफिकल्ट रहेगा टीम्स के लिए। वेल बिल्कुल, बट यू नो एक्सपार्क की खासियत क्या है, डजंट मैटर उन्होंने एक प्लेयर गवाया, दो प्लेयर गवाया, तीन प्लेयर गवाया, वो हमेशा फाइट करने में बिलीव रखते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। हारी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को यहाँ पे जरूर नॉक करा है। उधर दूसरी तरफ टीम मायावी की भी फाइट हो चुकी है हैदराबाद हाइड्रास के खिलाफ, वो फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हैदराबाद हाइड्रास के दो खिलाड़ियों को नॉकआउट किया गया है, नकुल एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर करेंगे। आरी के जादू को फिलहाल ओजी एश आरी सैंडविच सिचुएशन फाइनल जो सर्कल है कहां तक लेके जा सकते हैं, टीम्स को कितने प्लेयर सर्वाइव करेंगे एंड करंटली ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे लगा था कि गाड़ी अगर पलट गई तो कैसे जाएंगे एक्सपार्क की टीम जोन की तरफ, बट फिलहाल के लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। पहचान कौन इनके सामने रहेंगे, पहचान कौन अगर ये पोजीशन पता चल जाता है फिर जाके शायद एक मन वर्सेस टू क्लच करने में विश्वास रखेंगे, बट जी नहीं, डिसएंगेज करेंगे गाड़ी लेके सीधा जोन में जाते हुए। एंड इसी बीच हैदराबाद हाइड्रास की जोन को प्रायोरिटी देते हैं, बाइक वो कर सकते थे लेकिन जोन जाना बहुत जरूरी बन जाता है उनके लिए। मीनवाइल वीरू यहां पे स्पॉट करते हुए एक प्लेयर को, बट बेहतरीन ये वल्चर आज जो गजब का करिश्मा कर रहे हैं, अब चाहे वो स्प्रे के साथ हो चाहे वो जिगल के साथ हो, ही इज टर्निंग आउट टू बी अ वंडरफुल प्लेयर। आखिर है कौन ये प्लेयर? वेल फिलहाल के लिए अगर आप स्काउट की बात करेंगे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, 1v3 इनको करना पड़ेगा अगर जोन तक आगे बढ़ना है। एक फर्स्ट एड है, जोन का भी काफी अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है। इट्स गोइंग टू बी द फोर्थ सर्कल दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड एक ही फर्स्ट एड बचेगा। मेडकिट लगाया जा रहा है, रेमिनेंट के टॉप लॉक ग्रेनेड कुक करे, सुल्तान के ऊपर कनेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है, बट आई बिलीव वो ग्रेनेड ऑफ एंगल पर रहेगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा। और लुट के असॉल्ट फिलहाल के लिए जोन के बाहर फंस चुके हैं। राइवलरी फिलहाल स्काउट के ऊपर कंप्लीटली नजर रख के बैठे हुए, वो फाइनल प्लेयर को फ्लश आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है राइवलरी को पता है, बिकॉज गुमलुमोन है स्काउट है, वो किसी भी पॉइंट में आके क्लच करके जा सकते हैं। स्पॉट कर किया गया है, ग्रेनेड बिल्कुल उनके सामने गिराया गया एंड बेहतरीन तरीके से टीम एक्सपार्क को एलिमिनेट करती हुई राइवल्स में। उसके बाद की बात की हम बात करें, थोड़ा सा डाउनफॉल आया लेकिन तब भी चले खुश रहेंगे कि एटलीस्ट उनकी शुरुआत अच्छी हुई। लेकिन क्या यहां पर टीम एक्सपार्क एनिग्मा गेमिंग की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन उसी बीच क्रेजी जो अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं उन्होंने मावी को स्पॉट आउट करा है, नॉकआउट करा है, बट क्या कंफर्म करते नजर आएंगे वीरू को यहाँ पर कुछ भी हो जाए। लेकिन मावी का बच पाना मेरे ख्याल शायद मुश्किल टास्क हो चुका है। वीरू निकाल देंगे कैरी को लेकिन प्लेस और आगे बढ़िए, प्लेस उनका शिकार वो बन सकते हैं, प्लेस उनको ओपनिंग सपना दे सकते हैं और फाइनली कंफर्मेशन आए जरूर, लेकिन मावी को नहीं बचाया जा सका। एक बिल्कुल अंदाजा नहीं था यहाँ पर कि वो खिलाड़ी भी इस तरह से आ सकते हैं, मावी का फिनिश निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी दो खिलाड़ी यहाँ पर बात है। लॉसियंस में इतने सारे कंपाउंड्स हैं, आप कंपाउंड टू कंपाउंड आप जा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्काउट के सामने चैलेंज कैंडी उंदीसी, ये सीरियसली खिलाड़ी सभी को ढेर कर रहा है, एक के बाद एक फिनिशेस वो भी निकाल रहे हैं यहाँ पर, बड़े इस बार एनी टाइम नाउ। और दूसरी तरफ यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया स्पिरो, जैसे आपने बताया भी था कि जोन के बाहर है, तो जी हाँ, लेकिन वो बुलेट लगने की वजह से ना और भी ज्यादा दिक्कत आ गई। और लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।